हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्टबुक सुपर कोचिंग। एग्जाम के अभी केवल 9 दिन बचे हैं। 25 को लाइफ साइंस का सीएसआईआर नेट का एग्जाम होने जा रहा है आप लोगों का। बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि कैसे जो हमने अपनी तैयारी की है पिछले कुछ दिनों में, उस तैयारी का एक कंप्लीट फ्रूट उनको मिले, कंप्लीट जो उन्होंने मेहनत की है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो आपके एग्जाम में। यानी कि सिंपली हम अपनी इस मेहनत जो हमने की है उसको अपने अटेम्प्ट में खराब ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं बट एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहता है, उतना अच्छा वो स्कोर नहीं ला पाते हैं। तो इस छोटे से सेशन में मैं वही डिस्कस करूंगा कि आप एग्जाम में अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किन बातों पर हमें मेजर फोकस करना है, कहां कहां हमें चीजों को मैनेज करना है। छोटा सा सेशन रहेगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार एक लाइक का बटन जरूर हिट कर दें। मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर आपको दिख रहा होगा यहां पर, इस स्कैनर पर जाकर इसको स्कैन करें और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां आपको क्लास नोट्स, डिस्कशन, डाउट, रिव्यू, आर्टिकल, एग्जाम इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सिंपली स्टार्ट करते हैं। देखो दो तीन चीजें हैं जिन पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में। देखो तैयारी हमारी हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा यूनिट को तैयार कर रखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 6 से 7 यूनिट हमारी तैयार होगी, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो 10 से 12 या 13 यूनिट को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके रखे होंगे, कुछ जो है 7-8 यूनिट वाले बच्चे भी होंगे, कुछ 5-6 यूनिट वाले बच्चे भी होंगे। देखो सारे बच्चे इवन 5-6 यूनिट जिन्होंने अच्छे से तैयार किए वो भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमने करना क्या, अगर आप सिंपल से एक डेटा को देखें, स्टैट को देखें, तो पूरा पेपर जो है हमारा 445 मार्क्स का होता है। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का पेपर 445 मार्क्स का होता है, जिसमें से मैक्सिमम जो आपको स्कोर करना होता है वो 200 का करना होता है। और इसमें से भी अगर आप एक 120 के अराउंड स्कोर कर लेते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में क्रैक कर जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, आप क्रैक कर जाते हैं। यानी कि आपको एक्चुअली 440 मार्क्स में से 120 मार्क्स ही लेकर आने हैं टू क्रैक दिस एग्जाम। उसके बाद जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतनी ही अच्छी आपकी रैंक भी होगी। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने को होते हैं, सेक्शन ए को ले लीजिए, सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने केवल 15 को अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन बी में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने केवल 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी में हम लोग 75 में से केवल 25 ही अटेम्प्ट हमें करने होते हैं, केवल इतने ही क्वेश्चन जो है हम लोगों को यहाँ अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बहुत कुछ तो हमें यही छूट पर मिल जाता है। तो जिनकी 5-6 यूनिट तैयार है, 7-8 यूनिट तैयार है, वो भी अच्छे से एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन गलती ना हो 3-4 चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहला है हमारा टाइम मैनेजमेंट एक मेजर फैक्टर्स में से है हमारा, कि एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करें। देखो मेरा जो एक नजरिया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो हमारे पास में हमारा जो पेपर है वो 180 मिनट का होता है। 180 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स हमने स्कोर करने हैं 200। अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी जो है इटसेल्फ अकेला 100 मार्क्स का होता है हमारा। तो अगर कोई सेक्शन 100 मार्क्स का है तो टाइम भी तो उतना ही मांगेगा ना। तो सेक्शन सी को कम से कम आप जो है 90 मिनट से लेकर 100 मिनट तक जरूर दें, और कोशिश तो ये करें कि सेक्शन सी से ही पेपर को स्टार्ट करें। फिर भी अगर सेक्शन सी से नहीं करना है तो एटलीस्ट सेक्शन बी से तो स्टार्ट करें। सेक्शन ए से कोई भी बच्चा पेपर स्टार्ट अगर करता है तो कभी कभी ये हो सकता है कि सेक्शन ए के किसी क्रिटिकल क्वेश्चन को निकालने में वो उतना टाइम वेस्ट कर दे जितना वो सेक्शन हमारा डिजर्व ही नहीं करता है। सेक्शन सी 100 नंबर का है तो आधा टाइम उसको चाहिए ना, 90 मिनट तो उसको चाहिए ना। सेक्शन बी हमारा जो बाकी जो 90 मिनट है वो दोनों सेक्शंस को हमें देनी है। तो सेक्शन ए जो टोटल मार्क्स ले रहा है वो 30 ले रहा है और सेक्शन बी जो टोटल मार्क्स दे रहा है वो 70 दे रहा है। अब आप इसको समझिएगा, इन दोनों को भी आपने 90 मिनट देनी है, या मान के चल लीजिएगा आपने उसको 100 दे दिया तो 80 मिनट देनी है, 80-90 मिनट इसको देनी है, जिसमें से एक 30% है एक 70% है। तो 90 मिनट भी अगर हम लोग मान के चलते हैं तो ए सेक्शन को मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट देनी है, वो भी सबसे आखिर की 25 से 30 मिनट। नहीं तो कभी कभी सेक्शन ए को करने के चक्कर में आप उसमें ही एक घंटा वेस्ट कर देते हो अपना, वो मार्क्स देगा ही नहीं कोई सेक्शन हमें, तो उसमें अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करने का क्या सेंस बनता है।
सेक्शन बी जो है वो भी लगभग लगभग हम मान के चले 50 मिनट मैक्सिमम आपका लेना चाहिए। तो दो तीन तरीके हैं हमारे पास में, हम सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं या सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए बी से आपने स्टार्ट किया, तो बी को आप पूरा 50 मिनट दीजिएगा और 50 मिनट में आपने केवल 35 क्वेश्चन को ही ठीक से रीड करके आंसर करना है। 35 क्वेश्चन, 50 मैक्सिमम 35 है। मान लीजिए आप करते हैं उसमें से 25, तो हर एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 2 मिनट आपकी मिल जाती है। कुछ टाइम हमारा जो है क्वेश्चन को रीड करने में जा सकता है। फिर भी हम मान के चले कि जो हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच का टाइम, या कभी कभी 30 सेकंड में भी क्वेश्चन, विद इन अ मिनट भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग फोकस करके रखें कि सेक्शन बी को किसी भी हालात में 50 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा अगर दे दिया तो 60 मिनट, इससे बियॉन्ड टाइम आपको नहीं देना है अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट, ठीक है ना। तो मेरा भी एक रिकमेंडेशन रहेगी, सेक्शन बी या सी दोनों में से किसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों आपके सब्जेक्ट है। सेक्शन बी से अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 से 60 मिनट दीजिएगा उसको, बाकी बचे हुए 90 to 100 मिनट आप सेक्शन सी को दीजिएगा, और जो भी टाइम बचता है फिर 20 मिनट बचती है या 30 मिनट बचती है, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में आप इतना स्कोर कर लोगे कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 20 मिनट में जो जो क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में सॉल्व हो रहे हैं आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मतलब अगर सेक्शन सी में आप ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं आउट ऑफ 75, सेक्शन बी में ऑन एन एवरेज आप 20 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं आउट ऑफ 50, तो कितने नंबर हो गए? 72 + 40, 112 नंबर तो आपके यहीं पर आ गए। आपको 8 ही नंबर चाहिए, आप यहां से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि 120 नंबर केवल एक कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। आपको रैंक अच्छा इंप्रूव करनी है तो आप इन नंबर को बढ़ा सकते हो, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए इतना ही तो चाहिए आप लोगों को। तो एक तो सबसे पहले आपने टाइम मैनेज करना है अपना बहुत अच्छे से। अगर वीडियो देखो, बहुत ही एकदम एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बातें बोल रहा हूं कि आपको टाइम को मैक्सिममली यूटिलाइज करना है मैनेज करके। दूसरा, दूसरी जो बात आती है हमारी, वो है हमारा नेगेटिव मार्किंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आप लोगों का एग्जाम ना क्रैक कर पाने का, या अपने स्कोर को बिल्कुल बेस पर रखने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इतने क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं कि कभी कभी अगर वो खाली उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जिस क्वेश्चन पर उनको मार्क्स मिले हैं, जो क्वेश्चन राइट है, तो वो शायद करेक्ट कर जाते, लेकिन नेगेटिव की वजह से वो नहीं कर पाए। तो आपने एक प्रैक्टिस बना के रखनी है कि क्वेश्चन में अगर मुझे 10% भी डाउट है ना, तो मैं उस क्वेश्चन को मार्क करके कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढूंगा जो डाउटलेस हो, और उसी तरीके से क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्शन जो है किन क्वेश्चंस को आपने करना है, वो एक मेजर फैक्टर हमारा हो जाता है, क्योंकि आपको 75 में से केवल 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने। हो सकता है कि आप 75 क्वेश्चंस में मोर देन 25 क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो और कैपेबिलिटी रखते हो उनको सॉल्व करने की, लेकिन गलती भी हो सकती है ना, क्योंकि हर एक टॉपिक पर हमारी इक्वल कमांड नहीं जाएगी ना बच्चों। तो उस केस में जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे सामने आता है वो आता है क्वेश्चन सेलेक्शन का। सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करना सबसे मेजर फैक्टर रहेगा हमारा। तो 25 क्वेश्चन जो सही सेलेक्ट करने सेक्शन सी के, या 20 क्वेश्चन जो सही सेलेक्ट करने हैं, वो सही हो, विदाउट एरर हो। और अगर मान लीजिए उतने क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे 25 हो गए, 18 हो गए, अरे उतने पर भी क्रैक कर जाओगे, पर नेगेटिव मत करके आओ उसको। अगर 10% भी आपको लग रहा है कि डाउट है, तो मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। और यही कंसेप्ट रखोगे तो आप आराम से जो है एग्जाम को क्रैक भी कर जाओगे। तो नो नेगेटिव मार्किंग, राइटली टाइम मैनेजमेंट, ये दो ही बातें याद रख लो बस, और अच्छी तैयारी आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, आप एग्जाम क्रैक करो। रही बात मेरी फ्री क्लासेस की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस में, मंडे टू फ्राइडे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव रहता हूं आपके सामने शाम को 5 बजे, और 6:30 बजे मैं लाइव रहता हूं टेस्ट बुक ऐप पर। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री क्लास है। एक बार एटलीस्ट आप लोग आकर देखिएगा कि किस डेप्थ में आपको चीजें कराई जाती हैं और किस तरीके से चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आए और जिसे रटी रटाई चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, समझाया जाता है आपको चीजों, और बहुत अच्छे से समझाया जाता है। कोई भी क्लास रहेगी, कोई भी कंसेप्ट रहेगा, बहुत ही डेप्थ में आपको समझाया जाता, उतना डेप्थ कि आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को टारगेट कर लो। एक बार जरूर आइएगा, देखिएगा क्लासेस को, एंड यू विल एंजॉय द क्लासेस। बाकी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट है कि यहां में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इस चीज को कैसे टैकल करूं, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो स्ट्रेस लेवल है, सबको रहेगा,
तो उसके लिए आप हमें कमेंट में जरूर एक कमेंट लिखिएगा कि सर ये चीज मुझे ना जो स्ट्राइक कर रही है, नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं निकल पा रहा हूं, इसके लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। टेलीफोनिकली भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई कर सकता हूं। तो ठीक है, जाते जाते जितने बच्चों ने भी इस वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और टाइम पर आकर एक बार हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है, ओके, और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।